आज हम फॉर लूप का सिंटैक्स और कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फॉर के तीन पैरामीटर्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं और ये एक ही बार होगा। फर्स्ट पैरामीटर जो कि इनिशियलाइजेशन है, उसमें अगर हम मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो बीच में कॉमा सेपरेटर यूज होगा। सेकेंड पैरामीटर है कंडीशन। कंडीशन में हम मल्टीपल कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है इसके लिए हम लॉजिकल एंड या और ऑपरेटर यूज करेंगे। थर्ड पैरामीटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, जिसके लिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे, या फिर हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम मल्टीपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम कॉमा सेपरेशन का यूज करेंगे। ये तीनों ही पैरामीटर ऑप्शनल हैं। अब फॉर लूप का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, व्हाइल लूप से हम डिस्प्ले कर रहे थे वेलकम 10 टाइम्स। अब इसी प्रोग्राम को हम फॉर लूप से करेंगे। अब इस प्रोग्राम को फॉर लूप से करने के लिए हम व्हाइल के जगह पे लिखेंगे फॉर, जिसके तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं और सेपरेट होते हैं सेमीकोलन से, और सारे ही आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो है इनिशियलाइजेशन। तो अब हम इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करने के बदले हम फॉर में करेंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कंडीशन, जो हमने वैसे ही रखा है आई नॉट इक्वल टू 11। और तीसरा आर्ग्यूमेंट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो हम यहां से वो हटाएंगे और हम लिखेंगे यहां पे। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये क्या करेगा, 10 टाइम्स वेलकम डिस्प्ले करेगा। अब इस प्रोग्राम में हम 1 to 10 नंबर्स डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि हमें कितनी बार डिस्प्ले करना है। तो हमें 10 बार डिस्प्ले करना है, मतलब हमारा काउंटर होगा 1 से लेके 10 तक, जो पहले प्रोग्राम में था। तो फॉर लूप में पहला होगा इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे काउंटर स्टार्ट होता है। तो काउंटर स्टार्ट होगा 1 से और ख़त्म होगा 1 के बाद, इसलिए कंडीशन होगा आई लेस देन 11 या आई नॉट इक्वल टू 11। अब 1 से 11 तक पहुँचने के लिए हमारा काउंटर आगे बढ़ेगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा। अब प्रोग्राम क्वेश्चन के हिसाब से हमें डिस्प्ले करना होगा 1 to 10 नंबर्स, यानी कि काउंटर मतलब आई। नेक्स्ट लाइन के लिए लिखेंगे स्लैश एन कॉमा आई सेमीकोलन। अब इस प्रोग्राम में हम अल्फ़ाबेट ए से जेड तक के वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे हमें ये सोचना है कि हम कैरेक्टर को कैसे इंक्रीमेंट करें। लेकिन दोस्तों, अल्फ़ाबेट के वैल्यू सी इंक्रीमेंट करता है, क्योंकि वो ASCII वैल्यू के हिसाब से उसे देखता है। तो जैसे कि इंट इंक्रीमेंट होता है, वैसे कैरेक्टर भी इंक्रीमेंट होगा। अब फॉर लूप लिखेंगे। तो फॉर लूप में फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, तो इसका स्टार्टिंग वैल्यू है ए, तो हमने उसको असाइन किया। सेकंड है कंडीशन,
तो हमें ए से लेके एंड कहाँ पे करना है, जेड पे करना है। तो हमारा कंडीशन होगा सी एच लेस देन इक्वल टू, कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोट में, जेड, कैपिटल ए से स्टार्ट किया है तो कैपिटल जेड, और आगे बढ़ना है इसलिए हम लिखेंगे सी एच प्लस प्लस। अब कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है इसलिए प्रिंट एफ, और लिखेंगे परसेंट सी कैरेक्टर के लिए, परसेंट सी स्लैश टी फॉर टैप स्पेस कॉमा सी एच। अब आउटपुट देखते हैं।